अपने आप को अल्लाह का जमा समझता है।
शायद आप गूगल से कुछ पूछकर कुछ जानकारी हासिल कर लेता है और फिर उसकी बात दुनिया वालों के सामने पधारना शुरू करता है। हम इंजीनियर साहब है, हम एडवोकेट साहब है, प्रसाद है, हम फला साहब है। और आमतौर से लोगों की निगाह में दीन की ज्यादा अहमियत ना होने के नतीजे में हर चमकता को वो लोग सोना समझ लेते हैं। जो टीप टाप में होते हैं, जाहिर डील डोल वाला होता है, करोफर और शान शौकत के सामने अपना प्रोग्राम पेश करता है, तो दुनिया की निगाह में वही चीजें खूब जाती है और वही चीजें अच्छी मालूम होती। नतीजतन बड़े बड़े उलमाए किराम जिन्होंने इसादेदाए किराम की खिदमत में दान जानवे तलामुस तह किया, मदारिस इस्लामिया शेख के मदारिस इस्लामिया के शेख उल हदीस के मनसब पर फाइल, जिन्होंने हजारों तलबा को बुखारी पढ़ाया, लोगों की निगाह उनकी अहमियत नहीं होती, लेकिन उस बिरादर्स के फितने के नतीजे में एडवोकेट का दर्जा ज्यादा हो जाता है, इंजीनियर साहब का दर्जा बहुत बढ़ जाता है। इस हकीकत को समझने की जरूरत है और मैं यही बातें आपसे कुछ कहना चाहता हूं। दुनिया चकाचौंध कर देने वाली चीज, इसकी चमक दमक में इंसान उलझा हुआ है और उसी में मसरूफ मगन लगा हुआ है, लेकिन अहले इल्म की शान ये है, उनकी पहचान ये है कि दुनिया के कर रफर की तरफ तवज्जो नहीं देते, बल्कि जिस चीज की बुनियाद पर अल्लाह की निगाह में उसका दर्जा बड़ा होगा उस चीज के हुसूल में इंसान अपने आप को लग जाता है। अब इसको इस तरह समझ सकते हैं, एक बच्चा स्कूल जाता है, उसके घर के लोग माँ हो या बाप सुबह सवेरे उसे तैयार करता है, नहलाता धुलाता है, स्कूल का यूनिफॉर्म पहनाता है, सर पे तेल डालता, अच्छी अंदाज से तैयार कर देता है, नाश्ता का पैसा देता या नाश्ता या टिफिन तैयार करके दे देता है। फिर उसके बाद कोशिश उसकी ये होती है कि बड़े अच्छे अंदाज में अपनी अपनी सहूलत के मुताबिक उसे स्कूल तक पहुंचा दिया है। तो पैदल चला जाता है, कोई साइकिल ले जाता है, कोई मोटरसाइकिल ले जाता है, किसी के पास आधा चलाएगा तो चार चक्का में चला जाता है, उसे बाजार तक पहुंचाएगा। वो बच्चे स्कूल की तालीम हासिल करते हैं, छुट्टी का वक्त होता है, फिर उसको लेके चला जाता है, उसको कपड़ा धोने की फिक्र नहीं होती है, खाना बनाने की फिक्र नहीं होती है, और उधर तो कुछ काम करने की फिक्र नहीं होती, सारा काम तैयार है, कपड़ा किसी ने पहनाया और कपड़ा किसी ने उतारा, वो बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ के चले जाते हैं। मदरसा में जो बच्चे पढ़ते हैं, सात साल आठ साल का बच्चा, उसे कपड़ा खुद धोना पड़ता है, अपना प्लेट खुद साफ करना पड़ता है, अपना बिस्तर खुद झाड़ना होता है, और फिर उसके बाद अपनी तैयारी खुद करना पड़ती है। अलग से ट्यूशन में कोई टीचर नहीं होता, कोई टीचर उसका अलग से नहीं होता, उसी मदरसे की तालीम में उसकी कामयाबी रहती है, उसे पढ़ाया जाता, पढ़ते भी है और अपने साथियों के साथ उसका तकरार करके अपने इल्म को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। इन बच्चों को शुरू ही से ताकीद की जाती है, सिखलाया जाता है कि अपना काम खुद करने की सलाहियत अदा करो, ताकि किसी मजलिस मैदान में तुम जाओगे वहां तुम किसी के नुसरत और हिमायत के मोहताज नहीं रहो, बल्कि तुम्हारे अंदर ये दीनी जागृति होनी चाहिए कि तुम्हारे तरह ऐसे किसी दूसरे को मदद पहुंचाई जा सके। नतीजे के तौर पर ये बच्चे शुरू से मिजाज बना के रहते हैं, कपड़ा हमें अपने खुद धोना है, बर्तन भी हमें खुद साफ करना है, अगर लाइन लेकर लाइन लगाकर खाना लेने की बारी आई तो खुद भी खाना ले लेना है, और इस तरीके से जिस तरह मोटा झोटा खा करके और जिस किस्म का खाना मिल रहा है खा करके हम इनमें दीन के हुसूल में लग जाना है और लग जाना है। ये पोजीशन आपकी है। जितने भी उलमा है उनके साथ मसाइल ऐसे होते हैं, वो छोटे मदरसा मदरसा में हो ये बड़े कामयाब सबके साथ ये लगा, ये दर हकीकत एहसास कमतरी से निकालने की बात होती है। ये शुरू से आपको सिखाया पढ़ाया जाता है कि आप यहां से निकलने के बाद अपने आप को कभी तनहा महसूस नहीं कीजिएगा, आपके मोहल्ले में, आपके समाज में, आपके गांव घर में
आप मदरसे से पढ़ के जा रहे हैं, आपकी दादा की निगाह आप पर, नाना की निगाह आप पर, चचा महल्ले के लोगों की निगाह आप पर, फना बच्चा मदरसा में पढ़ता है उसे मोहम्मद के लिए आगे बढ़ाए। आपके बगल में कपड़ा साफ सुथरा ना था, स्कूल और कॉलेज के बच्चे खुद अपना कपड़ा धोते नहीं है, माँ बाप करके देते हैं, नौकर चाकर करके देते हैं, और अपनी सलाहियत के मुताबिक कपड़ा खुद साफ करते हैं, और फिर उसके बाद कौम के सामने इमाम बनकर, मुदर्रिस बनकर, खतीब बन के खड़ा होते हैं ना। जितनी भी जामियात और मदारिस है, जितने भी मस्जिदों मिंबर के मेहराब की जीनत अइम्मा इकराम है, उनके हालात जिंदगी का जायजा लीजिएगा, ये चीज आपके सामने है। ऐसा क्यों है? आपके सामने कई किस्म की चैलेंजेस हैं। एक तो समाज की तरफ से आपको जरूरी समझा जाता है, बहुत से लोग घर वाले भी अपने बच्चे को जिसे आलिम और हाफिज बनाते हैं उन बच्चों के बिलमुकाबिल कमतर समझते हैं जिनको स्कूल में आया। ऐसा लगता है कि आपके पास स्कूल की किताब पढ़ने की सलाहत नहीं है तो आपको मदरसे में ला दिया। स्कूल के टीचरों का दिमाग खराब मत करो, मदरसे के टीचरों का दिमाग खराब, वहां पीट पीट कर आपकी धुलाई 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 करके आपको इस्लाम बना दिया जाता है कि कल आप इस्लाम बन जाएंगे कि आपके पीछे लोग नमाज पढ़ेंगे और आपके बाद नसीहत से लोग फायदा उठाएंगे। ये काम इसलिए करते हैं, ये काम सिर्फ इसलिए करते हैं कि अल्लाह तबारक बताला ने आपको चुना है। आप अल्लाह तबारक बताला दुनिया में नहीं तो आखिरत में बेहतर मकान देना चाहते हैं। आपके जरिए से दीन को फरोग देने का इरादा है, आपके जरिए से किताब सुन्नत की तरवीज इशारत करने का इरादा है। इस लिहाज से इलाके के लोगों को, गांव घर के बच्चों को चुना जाता और वहां के कुछ बच्चों को घरों से निकाला जाता और उसके बाद किसी मदरसे तक पहुंचा कर उसकी इल्मी और दीनी आबियारी की जाती, उसे इल्मी की शर्की उनकी बुझाई जाती, उन्हें लिखाया पढ़ाया जाता, उनके अंदर ये शोर पैदा किया जाता है कि आप इसे मेहनत तो मुशक्कत से पढ़िए, कल आपका बड़ा मुकाम दुनिया भी होने वाला है और आखिर आखिर भी होने वाला है। जो बच्चे इस हकीकत को समझ लेते हैं खेल कूद में अपने औकात को सर्फ नहीं करते, वो मोबाइल देखने में, मोबाइल फाड़ने में अपने वक्तों को बर्बाद नहीं करते, वो चोरी छिपे उल्टी सीधी हरकतें करने में लगे नहीं रहते, बल्कि कौम के लोगों का विश्वास और माँ बाप के विश्वास को मद्देनजर रखते हुए वो मदरसे में आकर मुस्तकिल पढ़ाई करते। इसका मकसद क्या होता है? ये सबसे अजीम किताब को हम अपने सीने में जमा कर रहे हैं, हम सबसे अजीम इंसान बनने वाले। वो इंसान को याद है, खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लम, तुम में से बेहतर इंसान वो है जिसने कुरान सीखा और कुरान सिखाया। वाद पड़ेगा आपके सामने, कुल हल यस्तवील लदीन यअलमून व लदीन ला यअलमून। ऐ नबी जरा पूछिए इनसे, वो लोग जिनके पास इल्म है और वो लोग जिनके पास इल्म नहीं है, दोनों बराबर हो सकते हैं? आप कहते हैं कि धूप और साया बराबर नहीं है, रोशनी और अंधेरा बराबर नहीं है, तो ज्ञानत इल्म कैसे बराबर? आपको अल्लाह तबारक बताना है इल्म की रोशनी बख्शी है जिससे जहालत की तीरगी को और उसके घेरेपन को दूर करने का मकाम या दूर करने की चीज आपको नहीं आ रही है, लेकिन नमाज़ी शाम पर अल्लाह तबारक बताना से हो रही है कि तारीकी को खत्म करेंगे और दुनिया में नूर और रोशनी को भर जाएंगे। ये तारीकत अल्लाह तबारक बताना के मुंतखब बंदा होने की अलामत है। इसलिए आप ये सोचिए कि आपका मुकाबला दुनिया के किसी उलूम और फुनून से ताल्लुक रखने वाले लोग नहीं कर सकते। उसकी छोटी सी मिसाल, सात साल, आठ साल, दस साल का बच्चा 30-12 अपने सीने में कुरान मुकद्दस को जमा करता है, दुनिया में कोई छोटी से छोटी किताब दिखा दीजिए कि बड़ा से बड़ा बिलियन इंसान उसे अपने सीने में जमा रखा हो, है कोई? किसी दूसरी किताब का हाफिज मिलता है? ऐसे हाफिज हमारे पास मौजूद है, सुबह से लेकर शाम तक पूरा कुरान एक बैठक में सुना देते हैं। ये दरअसल अल्लाह तबारक बताना का वतन है, जिस सीने में अल्लाह की किताब महफूज हो जाए उस सीने का दर्जा कैसा बनता है? फी लौहिल महफूज,
सारी कायनात की तकदीर उसमें लिख के रखा है, पूरा कुरान उसमें लिखा हुआ मौजूद है, उसी से नकल करके अल्लाह तबारक तआला ने जिब्रील के जरिए से मोहम्मद रसूलुल्लाह पर भेजा है। लोहे महफूज में जहां कुरान दर्ज है वहां महफूज है, आपके सीने में कुरान महफूज होता है, आपका दर्जा लोहे महफूज उस हिस्से से कम नहीं होता जहां लोहे महफूज में कुरान लिखा हुआ है, आपके सीने में कुरान लिखा हुआ है। कितना बड़ा मकाम है, अंदाजा लगा लीजिए। इसलिए लोग अगर आपको कमदर समझते हो उसकी परवाह नहीं कीजिए, हाँ अपने आप को कमदर बना के पेशेवर कीजिए, लेकिन साथ साथ अपने आप को बढ़कर बना के पेशेवर कीजिए। हम बड़ा है ये भी नहीं होना चाहिए। जिसके पास जितना इल्म होता है वो इंसान अपने आप को उतना नरम करता है। आप नरमी के जरिए से, अच्छे अखलाक के जरिए से, अपने अंदर उस किस्म की आदि की इंकसारी के जरिए से ऊंचा दूचा बड़ा से बड़ा मकाम हासिल कर सकते हैं। इसलिए किसी को इल्म का फर्रा नहीं होना चाहिए, इल्म पर घमंड बिंदार नहीं होना चाहिए, इल्म पर फख्र गुरूर नहीं होना चाहिए, लेकिन अल्लाह तबारक तआला के फजल पर आपको सुरूर जरूर हासिल होना चाहिए कि अल्लाह ने आपको चुना है और इल्म के लिए आपको मुंतखब किया है। इस पर अल्लाह तबारक तआला का करम मानते हैं, उसकी शुक्रिया अदा करना चाहिए। खास तौर से माँ बाप का भी शुक्रिया अदा कीजिए, इसातिज़ाए किराम का शुक्रिया अदा कीजिए, इंतजामिया का शुक्रिया अदा कीजिए जो आपके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं, तालीम और तालीम के लिए बंदोबस्त करते हैं, और आपके सफर के अखराजात को बर्दाश्त करके आपके गार्जियन हजरात मदारिस इस्लामिया में भेजते हैं। इसलिए मेरे दीदो अल्लाह तबारक तआला का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने कहा इल्म वाले और जिसके पास इल्म नहीं है दोनों बराबर नहीं है और हकीकत मिल रही है इसमें कार अल्लाह और कार रसूल हो। दुनिया के जितने उलूम कहलाते हैं वो सब फनून है, वो हुनर है, दुनिया कमाने के जरिया है, लेकिन जो दीन आप सीखते हैं, जो इल्म आप सीखते हैं, इससे दुनिया भी आपको मिलती है और आखिरत में नहीं मिलता है। शर्त या गवार आपका यकीन ईमान दुरुस्त हो। अल्लाह तबारक तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें भी आपको भी इस इल्म से मुकम्मल फैजियाबी की मुस्तकिल तौफीक अता फरमाता है। मुदारिस आपसी है शेख आसिफ अकबर मंगरी हफिज़हुल्लाह तआला, इन दिनों बीमार चल रहे हैं, उन्हीं की आदत के लिए हमारे साथ एक वक्त आया है। मैंने सोचा कि घर से पहले पहुंचकर आप भाइयों से अजीजों से थोड़ी देर के लिए हम कलाम हो जाओ, इसी मुनासिबत से कुछ बातें आपके सामने रखी गई। उससे इसलिए रखी जा रही है कि आपको अल्लाह तबारक तआला ने चुना है, आप इस दीन को हासिल कीजिए और उसके बाद आप भी शेख आसिफ बनिए, आप भी इनसे बड़े आलिम बनिए, आप भी किसी जामिया के मुदर्रिस के साथ साथ मुंतजिम कार बनिए। आपके अंदर भी वो सलाहियत होनी चाहिए कि जिसके नतीजे में सैकड़ों बच्चों की हिफाजत आप कर सके और उनकी इल्मी पिशनगी को बुझा सके। यकीनन जो लोग भी दीन के ताल्लुक से इस किस्म के काम करने में लगे रहते हैं वो सब के सब अल्लाह तबारक तआला की निगाह में कत्ल मंजिलत के ऊंचे मकाम पर पहुंचाए जाते हैं और उसको दीन की तरबीज इशाद करने और अल्लाह के दीन की हिमायत नुसरत करने वाला यकीन किया जाता है और नतीजे के तौर पर अल्लाह यहाँ भी बुलंदी बख्शता है और वहां भी बुलंदी बख्शता है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ कीजिए जो हमारे बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल और आजिल अता फरमा दे। जो लोग इस मदरसे के जिम्मेदार इंतजामिया है इसातिज़ा की शक्ल में हो या कमेटी की शक्ल में, इन तमाम को खुलूस लिल्लाह के साथ सारी सहूलियात और आसानियां पैदा करे कि जिसके जरिए से आपकी हिमायत भी हो सके, आपकी खिदमत भी हो सके और आपके जरिए से अहले महल्ला यदि सिलाते क्या हो वहां के लोगों के इल्मी प्यास को बुझाने के आपको मुस्तहिक को हकदार भी करार दिया जा सके। अल्लाह हमें भी आपको भी और जुमले मुसलमानों को भी नेक समझ की तौफीक दे। अल्लाह जो बीमार उन्हें शिफाए कामिल और आजिल अता फरमा दे, जो मक़बूद है उन्हें कर्ज़ा अदा करने की सहूलियात फराहम कर दे, जो माखूज और गिरफ्तार है उनके लिए रिहाई के असबाब पैदा कर दे, जो दीनी दुनियावी एतबार से परेशान है उनकी जुमला परेशानियों को दूर फरमा दे। जब तक हमें जिंदा रख, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल करते जिंदा रख, और जो हमारा खात्मा हो इन्हीं दोनों की तरबीज इशाद करते हमारा खात्मा हो। अकुल कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आख़िर दावाना أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.